हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सरसों का ये साग बनाएंगे। इसे आप नाश्ते में और खाने में दोनों में ही खा सकते हैं। मैं तो बहुत सारा साग बनाकर रखती हूँ क्योंकि सुबह नाश्ते में पराठे के साथ ये साग खाना मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए बनाते हैं ये पटापट बनने वाला आसान सा साग। इसके लिए मैंने ये आधा किलो सरसों ली है। सरसों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और खूब अच्छे से धो लिया है। इसको अच्छे से धोना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें कई बार बहुत मिट्टी होती है। ये मैंने 10 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक काट लिया है और 2 लाल मिर्च मैंने सूखी ली थी उनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है। तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो तेल गरम हो चुका है, मैंने सरसों का तेल लिया है। अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन को हम अच्छे से लाल होने देंगे, खूब बढ़िया। जब लाल हो जाए ऐसे खुशबू पूरे तेल में आ जाएगी तब हम लाल मिर्च इसमें डालेंगे। ये देखिए लहसुन में कलर आ चुका है। अब हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो ये हमने लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी है। लाल मिर्च को हम बस एक दो बार चलाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी से जल जाती है। अब हम इसमें सरसों का साग ऐड कर देंगे। अभी साग की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और मैंने सब साग डालने के बाद में इसको ऐसे ही खोला, 2-3 मिनट तक पकाया है तो इसने पानी छोड़ दिया और इसकी क्वांटिटी ये देखिए वैसी हो गई है। अभी साग में बहुत पानी है। इसको मैं 2-3 मिनट और ऐसे ही बिना ढक्कन लगाए पका रही हूँ जिससे इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी और कम हो जाएगी और हम इसको आराम से ढक कर पका लेंगे। तो अब मैं इसमें नमक मिलाऊंगी। मैंने स्वाद अनुसार नमक मिला दिया है इसमें। अब इसमें सब चीज़ें मिल चुकी हैं, हमें और कोई चीज़ नहीं मिलानी है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे, थोड़ी देर ढकेंगे फिर चलाएंगे, फिर थोड़ी देर। अभी तो ये पानी छोड़ेगा थोड़ा सा और, तो इसका पानी जब तक रिड्यूस होता है तब तक तो हमें इसी तरह से पकाना है और साग भी पक जाए ये भी ध्यान रखना है। तो ये मैंने ढक्कन लगा दिया है। देखिए अंदर अभी काफ़ी पानी दिखाई दे रहा है। अभी हम इसी तरह से इसको पकाएंगे। ये देखिए अब मैंने ढक्कन हटाया है, हम फिर से इसको चला देंगे। इसी तरह से बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। सर्दियों में नाश्ते के लिए एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये। अब देखिए थोड़ी देर हो गई है, साग का कलर बदलने लगा है लेकिन अभी भी इसमें पानी है तो अभी भी हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर ढककर। और अभी ये पूरी तरह से पका भी नहीं है। अब साग में पानी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, मतलब ये करीब करीब होने वाला है और पक भी चुका है करीब करीब। तो अब हम अपना साग चेक करते हैं। ये देखिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है साइड्स में, जो एक्स्ट्रा पानी दिखाई दे रहा था। तो हमारा साग पक भी चुका है। अब हम इसको भून लेंगे। तो भूनने के लिए हमें गैस को हल्का सा तेज करना है। अगर आप तेज आंच पे करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूस इसको चलाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको मीडियम पर करके पका रही हूँ, भून रही हूँ। और ये बस धीरे धीरे करके खूब अच्छे से भून जाता है, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है सब निकल जाता है। ये नहीं कि हमें इसको बिल्कुल सुखा देना है, पर जो इसमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हम हटा देंगे। इसी तरह से भूनते भूनते वो सारा पानी रिड्यूस हो जाएगा और हमारा साग अच्छे से भुन जाएगा। तो देखिए हमारा साग अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। ये देखिए बहुत बढ़िया साग अच्छे से भुन गया है। चलिए इसको अब सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा साग कितना बढ़िया बना है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।